खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं निधि जी और आप देख रहे हैं जीएसटी। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबर। बेलदौर के पूर्व पंचायत समिति सदस्य नरेश राम की गोली मारकर हत्या। खगड़िया में अपराधियों का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। राजनीतिक पटना समेत अन्य जिले में भी अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला खगड़िया जिले की आ रही है, जहां बेलदौर के पूर्व पंचायत समिति सदस्य नरेश राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जदयू विधायक वीना भारती के बेटे की हुई मौत, घर में मचा हंगामा। इस वक्त पूर्णिया से यह खबर सामने आई है, जहां सुपौल के त्रिवेणीगंज से विधायक वीना भारती के बेटे बंटी कुमार की मौत हो गई है। यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है, संदिग्ध अवस्था में सत्ताधारी दल की विधायक वीना भारती के बेटे की मौत हुई है। जदयू नेता नीरज का तेजस्वी पर हमला, बोले कानून उल्लंघन तो फितरत है, जेल प्रवास तो वैसे वंशानुगत गुण हो गया है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को अब महागठबंधन ने लपक लिया है। शनिवार को आरजेडी ने पंजाब हरियाणा के आंदोलन किसान के विपक्ष में बिहार में मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में किसान आंदोलन के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, लेकिन बिना अनुमति के गांधी मैदान में घुसकर संबोधित करने और कोविड नियम को तोड़ने के आरोप में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता मदन मोहन झा समेत 18 प्रमुख नेताओं को के खिलाफ नामजद FIR कर दिया गया है। विधायक ने पेश की दोस्ती की अनोखी मिसाल, दूल्हे का गाड़ी चलाकर पहुंचे दुल्हन के द्वार। गया जिले में एक राजद विधायक ने दोस्ती की अनोखी मिसाल कायम की है। राजद विधायक अपने एक दोस्त की शादी में स्वयं कार चलाकर दूल्हा को लेकर दुल्हन के पास पहुंचे, जिसके बाद कार चलाते विधायक का फोटो वायरल हो गया। में कोरोना का कहर जारी है, फिर मिले 585 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंचकर हुई 5968। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य में कोरोना बेकाबू स्थिति में नहीं है। आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। अपडेट के मुताबिक राज्य में 585 नए मरीज पाए गए हैं, जिसमें कोरोना के सबसे अधिक संख्या मरीजों की संख्या पटना जिले से बताई जा रही है। कोरोना के कुल पटना जिले से 261 नए मामले सामने निकल। चिराग पासवान के खिलाफ थाने पहुंचे केशव, अपने जान माल की लगाई गुहार, कहा उनके नक्सलियों से भी है संबंध। लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह ने लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जनवरी महीने में पार्टी में बड़ी टूट का भी दावा किया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें लोजपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नवादा राजद कार्यकर्ता की जिला स्तरीय बैठक, भारत बंद करने के समर्थन का किया ऐलान। नवादा जिले में राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के 3 विधायक मौजूद थे, जिसमें नवादा विधायक विभा देवी, रजौली विधायक प्रकाश वीर, सिंधपुर विधायक मोहम्मद कमरान शामिल हैं। जीत के बाद तीनों पहली बार राजद कार्यालय पहुंचे। प्रेमिका को मिला मौत, नक्सली इलाके में मचा हड़कंप। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के सवैया डांट जंगल में एक युवती का शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि जंगल में पेड़ से लटके हुए महिला का शव मिला है। मृतका झारखंड जिले के सतगामा थाना क्षेत्र के कानी क्योंद गांव निवासी नारायण सिंह उर्फ गोहलकी सिंह की 25 वर्षीय पुत्री बबीता देवी बताई जा रही है। चल रहे थे अवैध शराब भट्टियों को पुलिस ने किया ध्वस्त, सैकड़ों लीटर देसी शराब बरामद। मोतिहारी पुलिस ने अवैध शराब कारोबारी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। DSP ज्योति प्रकाश के द्वारा गठित सर्किल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम ने
अभियान चलाकर दर्जन शराब को ध्वस्त कर दिया है। 120 लीटर चुलाई देसी शराब को बरामद किया है। प्रेम संबंधों की भेंट चढ़ी संजू देवी उर्फ सुनीता, फोन करके बुलाया प्रेमी सिंटू ने आकाश के साथ मिलकर कर दी हत्या। नौगछिया के विसाई टोला निवासी संजू देवी उर्फ सुनीता देवी हत्याकांड में नौगछिया पुलिस ने महिला प्रेमी विसाई टोला निवासी सिंटू पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। सिंटू के पास से उसका मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है, जिससे उन्होंने आकाश एवं सिंटू से बातचीत कर हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया था। सिंटू पासवान को पुलिस ने खगड़िया जिले के भरतखंड से छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।